नमस्कार। 11 नवंबर यानी कल से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के गेट नंबर 2 पर अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है और लगातार प्रशासन मान मनोबल का एक ढोंग कर रहा है, हमें बहलाने फुसलाने का प्रयोग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आयोग एक चैन की नींद सो रहा है। आयोग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन सर्द रातों में देश का युवा सड़कों पर है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिन्हें इस समय लाइब्रेरियों में होना चाहिए था, वो लाइब्रेरियों को छोड़कर भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे सर्द रातों में धरना दे रहे। क्यों? आप कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन अभ्यर्थियों के हित में है। अगर अभ्यर्थियों को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है या उन्हें नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत है, तो क्या नॉर्मलाइजेशन के बिना परीक्षा कराना संभव नहीं? इतने सालों से, पिछले 25-30 वर्षों से एक परीक्षा एक दिन में हो रही थी, एक शिफ्ट में हो रही थी, तो अब ऐसा नया क्या आ गया है? वही 5.5-6-7 लाख अभ्यर्थी हर साल फॉर्म भरते थे, वही आंकड़ा इस बार भी है। क्या आजादी के 75 साल बाद देश के एक बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां सुशासन का दावा है, जहां विकास का दावा है, ये सारे दावे सच में मजबूत हैं या खोखले हैं? क्योंकि इन्हें इन 75 जिलों में इतने विद्यालय नहीं मिले जहां पे परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से कराया जा सके। क्यों? सच्चाई ये है कि परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से कराना, पारदर्शी तरीके से कराना, ना तो सरकार के एजेंडे में है और ना तो आयोग के एजेंडे में। इस देश में मनमाना राज चल रहा है। आयोग मनमाने रवैये के लिए बहुत पहले से फेमस है। जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे तब भी आयोग का यही मनमाना रवैया था और आज तक यही रवैया है मनमाना। छात्र धरना दे रहे, देने दो। छात्र भूख हड़ताल पे है, करने दो, हम वही करेंगे। लेकिन जान जाइए, अब सोशल मीडिया का जमाना है, छात्र जाग चुका है, वो अपनी मांगे मनवा के माने। और आयोग जो बार बार शिक्षकों और कोचिंगों पर आरोप लगाता है, कोचिंग माफिया शब्द कह के पुकारता है, आयोग को इन भाषाओं का प्रयोग करने से बचना चाहिए। जब भी पेपर लीक हुआ है, जब भी पेपर में परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं, उसमें आयोग के कर्मचारी संदिग्ध पाए गए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़ा लंबा इतिहास है आयोग का और उनके कर्मचारियों का इन पेपर लीक के प्रकरणों में सीधे तौर पर जुड़े होने का। पहले अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत कीजिए और आयोग के बाहर जो छात्र लगातार धरना दे रहे हैं, उन्हें हम सभी शिक्षकों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है, हम समर्थन दे रहे हैं। और इस मौके पर मुझे कुमार दुष्यंत की वो लाइनें याद आती हैं कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब समय है कि आयोग जाग जाए और छात्रों को बिना अपने विश्वास में लिए कोई ऐसा कदम न उठाए। आपको सीखना चाहिए बिहार लोक सेवा आयोग से, हर प्रक्रिया पर शुचिता बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे, तो उसने शिक्षकों और छात्रों से बात करना बेहतर समझा। आपको भी ऐसा कोई कदम नॉर्मलाइजेशन से पहले उठाना चाहिए था। यह मनमाना नहीं चलेगा कि आप कोई भी चीज ला करके थोप दें और उसे छात्र और शिक्षक दोनों स्वीकार कर लेंगे। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आप गलत फहमी। अब छात्रों की यह मांग आयोग को मान लेनी चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को यह मानना होगा या मानना चाहिए कि अगर महाकुंभ महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन छात्रों का जीवन भी महत्वपूर्ण है, उनका करियर भी महत्वपूर्ण है, इसे भी उतनी ही वरीयता दी जानी चाहिए। इन युवाओं को आप यू सड़कों पर मत छोड़िए, उनसे बातचीत कीजिए और उनकी मांगों को मान लेने में कोई समस्या नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद परीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण होने के बीच तक नियमों में बदलाव नहीं होना चाहिए।
क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस नए नियम के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना नहीं कर रहा? क्या संवैधानिक संस्थाओं में टकराहट अच्छी बात है? नहीं, आयोग से विनम्र गुजारिश है उन सभी छात्रों की तरफ से कि आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को वापस ले लें और अब तक जो एग्जाम हो रहा था जिस रीति से हो रहा था, वन डे वन शिफ्ट, वो बेहतर था, वही बेहतर है, क्योंकि यहाँ इतिहास के प्रश्नों में, भूगोल के प्रश्नों में ये तय कर पाना असंभव है कि कौन सा प्रश्न कठिन है और कौन सा प्रश्न आसान है। इतिहास में कैसे तय करेंगे कि एंशियंट कठिन था या मॉडर्न कठिन था या मिडाइवल? दो लड़ाइयों में कैसे हम तय करें कि पानीपत का युद्ध कठिन है या खांडवा का युद्ध कठिन है? ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। इस तरह की मनमानी थोप देना अनैतिक और अनुचित है और आयोग को इन कृतियों से बचना चाहिए। एक बार फिर से हमारा पूर्ण समर्थन सभी छात्रों के साथ है और यह संघर्ष एक नई इबारत लिखेगा और हर हाल में लिखेगा। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश यह है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, वो मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, वो आग जलनी चाहिए, धन्यवाद, जय हिंद।